Hey guys, hi, welcome back to my channel. This is me, Shiny, and this is the first time I'm shooting after my wedding and और ज़्यादा मेरी responsibility बढ़ चुकी है and और भी कई सारे नए नए contents मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ. So stay tuned for that. और आज का video पसंद आए then don't forget to like, share and subscribe to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ 500 rupees के अंदर कुछ essential makeup products जो मेरे wedding के लिए बहुत ही ज़्यादा essential थे and दे वर जस्ट सेवियर्स, क्योंकि मेरी वेडिंग में मैंने खुद से अपना मेकअप वगैरह हेयर स्टाइल सब कुछ किया है. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि मेकअप प्रोडक्ट सिलेक्शन में मैंने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बिकॉज मेरे स्पेशल डे में सब कुछ मेरे हाथ में था. एंड सो ये जो कुछ एसेंशियल्स है वो मैं शेयर करूँगी. काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट रहेगा ये वीडियो. सो आज के वीडियो के जितने भी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करूँगी सारे परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने प्रोवाइड किया है. मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स बिगिन. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट्स अमेजिंग, और ये मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखकर ही परचेज किया है. बिफोर माय वेडिंग एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे अमेजन फाइंड्स, अमेजन मेकअप फाइंड्स, स्किन केयर फाइंड वीडियोस देखती रहती थी एंड उनमें से जो मुझे लगता था कि हाँ मेरे वेडिंग डे के लिए एसेंशियल रहेगा वो मैं परचेज कर लेती थी. एंड ये है वो ब्यूटी स्पंजेस. ये एक मेकअप टूल है जो कि ट्रायंगुलर शेप में मेकअप स्पंज आपको मिल जाएगा. तो ये फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए नहीं है, ये लूज पाउडर लगाने के लिए है. एंड जब हम लोग किसी भी पफ इस्तेमाल करते हैं तो लूज पाउडर या फिर ब्रश फॉर दैट मैटर, तो हमारे जो आईज के इनर कॉर्नर्स है वहाँ पर तो वो पाउडर नहीं पहुँचता. बट इस तरीके के ट्रायंगुलर एप्लीकेशन की वजह से ईजिली आप बेकिंग कर सकते हैं अपने अंडर आइज़ को एंड काफ़ी फ्लॉलेस फिनिश देता है. इसमें आपको 6 मेकअप स्पंजेस टोटल मिलते हैं एंड द प्राइस इज ऑल्सो रियली अफोर्डेबल. एंड ये मेकअप स्पंज मैंने अपने वेडिंग डे पर इस्तेमाल किया था एंड यू ऑल कैन सी इसमें थोड़ा सा लूज पाउडर का स्टेन है. एंड एप्लीकेशन भी काफ़ी इजी है, इसमें ग्रिप भी काफ़ी अच्छा रहता है एंड दीज आर रियली सॉफ्ट. नेक्स्ट मैंने कुछ चीक पैलेट लिया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और ये मेरे पास 2 चीक पैलेट है. इनमें आपको मिलेंगे एक कॉन्टोर शेड, एक ब्लश और एक हाइलाइटर. सो ये 3-in-1 है. दिस इज़ द शेड नंबर 202 शेड नंबर है ये, जो कि मैं जनरली इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो कॉन्टोर शेड है ना ये मेरे स्किन पर बेस्ट सूटेबल है. और इसका जो ब्लश है दैट लुक्स ऑसम ऑन माई फेस, और मैं अपने रिसेप्शन डे पर भी और अपने वेडिंग डे पर भी इसी ब्लश को इस्तेमाल किया था. और इसका हाईलाइटर भी काफ़ी अच्छा है, एकदम चौंकी ग्लिटर्स वाला नहीं है. अगेन स्विस ब्यूटी का अनादर चीक पैलेट मैंने लिया था, ये है शेड नंबर 03, जो कि डार्क स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा. एंड इसमें जो हाईलाइटर है वो अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बट आई एम डैम श्योर द हाईलाइटर विल बी ऑल्सो वेरी गुड. ये एकदम गोल्डन हाईलाइटर है, और ये जो मॉव कलर है ना दैट इज सो प्रिटी. मैंने इसे एज एन आई शैडो इस्तेमाल भी किया था, तो मुझे इनके पिगमेंटेशन एंड इनके जो फॉर्म्यूला है सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा. सो अगर आप कोई अच्छा सा चीक पैलेट ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉन्टूर, ब्लश, हाईलाइटर एक साथ आपको मिल जाएगा, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस वन. वेडिंग के लिए ना मैंने काफी सारे वीडियोस तो देखे थे, तो उनमें सबसे ज्यादा कॉमन था ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस. ये गोल्डन शेड में है, इसमें कई सारे और शेड रेंजेस भी है. एक था नेचुरल और दूसरा था पिंक. एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग आफ्टर परचेजिंग दिस, क्योंकि मैंने सारे अपने वेडिंग सेरेमोनीज में, सारे इवेंट्स में मैंने इसे डेफिनेटली इस्तेमाल किया है बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप, क्योंकि ना इसके अंदर एक अच्छा सा गोल्डन शाइन है. तो डेफिनेटली ये डे टाइम के लिए नहीं है क्योंकि इसमें गोल्डन ग्लिटर पार्टिकल्स है, बट हाँ डे टाइम में ये ग्लिटर पार्टिकल शायद शो कर सकता है एंड दिस प्रोवाइड्स अ वेरी नाइस ग्लो. और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने गोल्डन शेड में लिया है तो थोड़ा सा गोल्डनिश इसका ग्लो है. मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं फॉल्सीज नहीं अप्लाई करती एंड ये मस्कारा मैंने लिया है. मेरे पास मेबलिन का ऑलरेडी एक मस्कारा था, बट आफ्टर यूजिंग दिस मस्कारा मैं मेबलिन मस्काराज नहीं इस्तेमाल करती बिकॉज दिस इज अफोर्डेबल येट दिस इज सुपर. ये मार्स का मस्कारा है एंड ये वॉल्यूम भी ऐड करता है, लेंथनिंग भी है. तो मुझे जितने भी मेरे रिक्वायरमेंट्स है ना सारे इससे मुझे मिल जाते हैं. स्पेशली इसका जो वॉन्ड है ना, जस्ट लुक एट दैट, इसकी शेप थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा बेंट फॉर्म में है, जिसकी वजह से आई थिंक एप्लीकेशन इतना ज़्यादा अच्छा होता है.
ऑल्सो ये आई लैशेज पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी ऐड करता है. ओवरऑल मुझे ये मस्कारा काफ़ी पसंद है. सो अगर आप कोई अफोर्डेबल सा डेली वेयर के लिए मस्कारा ढूंढ रहे हैं देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश सूट नहीं करता, तो इसीलिए फॉर सेफर साइड मैंने वेडिंग डे के लिए एक ऐसा ब्लश खरीदा था जो कि एकदम लाइट है. तो ये मेबेलिन का एक ब्लश है इन द शेड ब्रेव, और ये 10 ब्रेव शेड है एंड दिस इज़ सो प्रिटी. मैं इसे एज एन आई शेडो भी इस्तेमाल करती हूँ. इसमें थोड़ा सा ग्लिटर पार्टिकल्स है एंड एकदम लाइट एक पीच कलर है जो कि आई थिंक फेयर स्किन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, वेरी फेयर स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा. बट मेरी स्किन वार्म टोन में है और मुझे ऐसा फील होता है कि ये ब्लश मेरी स्किन को काफ़ी अच्छा सूट कर गया, क्योंकि ये एकदम ओवर नहीं लगता, एट द सेम टाइम एक सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है और एकदम सिंपल सा एक ब्लश एक फ्लश ऑफ कलर ऐड करता है चीक्स को. सो मुझे ये ब्लश काफ़ी अच्छा लगा एंड इट इज़ पिगमेंटेड, तो मैं इसे एज एन आई शेडो भी इस्तेमाल करती हूँ. मेरे वेडिंग इवेंट्स में मुझे कुछ ग्लिटरी सा मेकअप चाहिए था जो मैं खुद ही क्रिएट कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने ये मार्स का ग्लिटर पैलेट परचेज किया था. इसे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा प्रेपरेशंस करने की ज़रूरत है वरना फॉल आउट हो जाएगी. या तो आप आई को प्रेप करें अच्छी तरीके से कोई भी प्राइमर वगैरह लगाकर, या फिर आप पहले अपना आई लुक क्रिएट करें उसके बाद अपना बेस मेकअप क्रिएट करें, क्योंकि मैंने अपने वेडिंग डे पर पहले अपने बेस मेकअप को क्रिएट कर लिया था, उसके बाद मैंने ये जो गोल्डन शेड है ना वो अप्लाई किया था तो बहुत ही ज़्यादा फॉल आउट हो गया था. मैंने मेरे पास कोई भी आई शेडो प्राइमर नहीं था विच इज़ वाई ये फॉल आउट हुआ. तो मैं ये सजेस्ट आपको कि आप पहले ये आई शेडो ये ग्लिटर वाला आई शेडो अप्लाई करें, आई लुक पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद फेस को क्लीन करने के बाद अपना बेस मेकअप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज इसमें फॉल आउट होता है डेफिनेटली. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक्स प्रोवाइड किया है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं देन प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.